सर क्या कहना चाहेंगे आज इतना बड़ा मोमेंट आपके लिए बच्चों के बीच में जो परफॉर्मेंस किया आपने? यार ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, शारिब बिन तोशी, ऑल द व्यूअर्स, ऑल द लिसनर्स, सभी को प्यार भरा आदाब। और ये स्पेशल एनजीओ किड्स आज यहाँ पर थे, हम लोग यहाँ आए किड्ज़ेनिया में एंड हमने वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट किया फॉर स्पेशल एनजीओ किड्स के साथ। इट्स अ वेरी 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 गुड फीलिंग, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। गुड इनिशिएटिव बाय सोनी ये। और सीरियसली अंधेरी से, मैं अंधेरी में रहता हूँ, अंधेरी से यहाँ तक आना वर्थ हो गया। इतना प्यारे प्यारे बच्चे, इतना बढ़िया माहौल, सच फुल ऑफ पॉजिटिविटी दिस क्यूट लिटिल ऑडिटोरियम, सो इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, बहुत बहुत अच्छा लगा। यार देखो हम तो हीमेन वाले जमाने के हैं, टॉम एंड जेरी, हीमैन, तो ये ऑगी और हनी बनी को मिलके, हाँ ऑगी और हनी बनी को मिलके बड़ा अच्छा लगा। ये आज के ज़माने के जो टून्स कैरेक्टर्स हैं, तो हम तो हीमेन वाले जमाने के। एंड आई कुड सी दैट सॉन्ग द व्हिच दे वर प्लेइंग, मैंने तो सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम आई हर्ड, सब बच्चे गा रहे थे, सो दैट मीन्स आई कैन, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड देयर हाउ पॉपुलर दे आर एंड हाउ पॉपुलर दिस टून्स कैरेक्टर्स आर। सो एंड आई एम श्योर मेरे घर पे भी बच्चे देखते होंगे, सो मैं अभी घर जाके पूछूंगा अपने नेफ्यू से, नीस से, कि भाई तुम लोग देखते हो कि नहीं। और बाकी तो बचपन की यादें, बचपन में चले गए थोड़ी देर के लिए, बहुत बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है, क्योंकि दुनिया, मतलब आपका ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम होता है योर चाइल्डहुड, सो उस जोन में गए थोड़े टाइम। आप किड्ज़ेनिया में भी आ गए नहीं तो बहुत? नो नो, श्योरली आई वॉज जस्ट व्हेन आई एंटर्ड इनसाइड दिस किड्ज़ेनिया, आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर आर सिटी मॉल, मैं पहली बार ही आया हूँ आई थिंक, बट द मोमेंट आई एंटर्ड इनसाइड आई डिसाइडेड टू ब्रिंग माई किड्स इंशाल्लाह वेरी सून, सो शायद कल परसों या जाऊँ टाइम जैसे ही मिलता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता है तो, बट अभी डिसाइड किया मैंने कि यहाँ आना है। मेरी मेरी बहन ने मुझे बोला था फ़ोन पे ना कि तुम किड्ज़ेनिया जा रहे हो भाई, अपने बच्चों को लेके जाना, सब ब्यूटीफुल प्लेस, बिकॉज शी हैव बीन हियर बिफोर, तो उसको पता था, तो जैसा उसने बोला था मुझे सब कुछ वैसा ही उसने बोला था कि यहाँ पे अंदर एकदम पूरा बच्चों का पूरा फील होता है, वो जो डॉक्टर्स का, वो जो मैंने देखा बाहर सेटअप है, सलून है, पूरा शहर बसा हुआ है, मैं सच एन अमेजिंग, मतलब हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, हमारे बच्चे बहुत खुशकिस्मत है कि वो सब ये सब चीज़ें देखने मिल रही है उनको। हाँ, हम मिट्टी में पेड़ों पे खेल के बड़े हुए, हम तोते होते पकड़ते थे बचपन में। सर सोनी के साथ जो टाई अप हुआ है खेलने का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बात देना चाहेंगे सबसे पहले तो किड्ज़ेनिया के साथ में सोनी ये का जो कोलैबोरेशन हुआ है, टाई अप हुआ है, बहुत बहुत अच्छी बात है, और ये आगे बढ़े और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हर साल जमा हो, वर्ल्ड म्यूजिक डे पे जमा हो, चिल्ड्रंस डे पे जमा हो। थैंक यू सोनी ये, थैंक यू किड्ज़ेनिया, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव को संभाला है, क्योंकि किड्ज़ेनिया जो है वो हमारे वेन्यू जिन्होंने हमें आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पर अपना इतना प्यारा सा ऑडिटोरियम बच्चों के लिए दिया, और उनको थैंक यू, और सोनी ये को बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, एंड इट्स अ अमेजिंग फीलिंग बिकॉज ऑल द लिसनर्स एंड ऑल पीपल कैन रिलेट व्हेन यू सी स्मॉल किड्स एंड यू नो लाइक सच अ क्यूट किड्स एंड अ लॉट ऑफ किड्स, अ बंच ऑफ किड्स, आई मीन इट्स अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। यही वो पॉजिटिव एनर्जी है, बच्चे जो दुनिया की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा देते हैं, जब ये आसपास होते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, तो इट्स अमेजिंग फीलिंग। आपका कैसा रिश्ता सोनी के साथ में? बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, पहला सबसे पहला गाना ही सोनी पे था हमारा, जो हमने स्टार्ट किया अपना करियर, म्यूजिकल जर्नी विद सोनी, हमारी पहली फिल्म राज 2 वाज विद सोनी, एंड एवर सिंस काम तो चल ही रहा है, काम करते हैं साथ में, सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग कोलैबोरेशन, और आज यहाँ पर भी हम लोग आए हैं, ग्रेट फीलिंग अगेन, मैं इससे ज़्यादा आगे और कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि सारी थकान, जो इतना ट्रैफिक, इतना देर टाइम लगा पहुँचने में, पर यहाँ पर आके सब कुछ फीलिंग लवली। वर्ल्ड म्यूजिक डे है, कोई गाना तो गुनगुनाना नहीं पड़ेगा, फेक गाना? अच्छा ये बताइए मुझे, ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा मतलब होता है? नहीं, मुझे बताओ, ये सवाल डॉक्टर से क्यों नहीं होता है, जरा एक ऑपरेशन करके दिखा। आज तो डॉक्टर डे है, आज तो एक ऑपरेशन हो जाए। एक तो नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं आप मेरे पुराने मित्र हैं, तो मैं आपसे पड़ोसी भी हूं। सोनी का ही हमारा एक फिल्म रिलीज हुआ था सोनी के ऊपर, उसके गाने बहुत बहुत पॉपुलर हुए थे, जिद का कोई भी गाना गा देता। हाँ नहीं, आई वाज थिंकिंग सोनी के साथ में राज की, बताया आपने, उसका कोई गाना बंदिया भी सोनी का ना, बंदिया इज नॉट विद सोनी, हां तो दैट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। चलो सो भी बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर गाना है हमारा,
वही गाना हम फिल्म दिल जंगली से सुपर हिट ट्रैक चल चल वे तू बंधे आ उस गलिये जहां कोई किसी को ना जाने क्या रहना वहां पर सुन बंधे आ जहां अपने ही ना पहचाने रह गए हैं जो खुद में मेरे लम्हे लौटा दे मेरी आंखों में आके मुझे थोड़ा रुला दे चल चल वे तू बंदे आ उस गलिये जहां कोई किसी को ना जाने आपने विटनेस किया ही है बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सोनी ये का कि उन्होंने ये शाम मुझे भेंट की मैं तो ऐसा कहूँगा बिकॉज क्या होता है कि नॉर्मली हम बहुत सारे क्राउड के लिए परफॉर्म करते हैं जहाँ पे आप यू नो पार्टीज़ हैं कॉलेजेस हैं सब कुछ हैं पर ये जो एनजीओ के बच्चे थे इनकी एनर्जी ही अलग थी दे वर जस्ट अमेजिंग मतलब वो इतने फ्री थे अपने कंडक्ट में एंड पहले ही गाने से दे वर इन्जॉइंग दे वर डांसिंग एंड आई थिंक इट वॉज वेरी हार्ट वार्मिंग बहुत बहुत मज़ा आया मुझे बहुत मज़ा आया देखिए इससे अच्छी बात क्या होगी ना जनरली क्या होता है ना कि मुझे मैं थोड़ा सा जो चीज़ें बांध देती हैं उनके खिलाफ रहा हूँ लाइफ में तो मैं ये देख के इतना खुश था कि उनको ना कोई बैगेज नहीं है बच्चों वो गाएंगे वो चिल्लाएंगे वो डांस करेंगे वो मुझसे पहले गाएंगे जो गाना उनको जिस गाने में मज़ा नहीं आ रहा है एक दो ने तो मुझे इशारा भी किया गाना चेंज कर लेते हैं सो आई थिंक ये फ्रीडम हमारे पास है हमारे दिमाग में है हमारे पास हमेशा रहे ये और ये हमेशा रहनी चाहिए ये मेरे लिए लर्निंग है मैं तो कहता हूँ सो इट वॉज रियली रियली अमेजिंग हाँ हाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये होते रहना चाहिए क्योंकि एंटरटेन करना एक तरफ है पर एक कदम और आगे बढ़ के है ना एनजीओ के बच्चों को इन्वॉल्व करना उनके किड्जेनिया के साथ इस वेन्यू पे ऐसी परफॉर्मेंसेस करना उनको उनको इससे नज़दीक से रूबरू कराता है उनको ये बताता है कोई भी चीज़ जब आप छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं या अप्रोचेबल होती है अवेलेबल होती है तो आपको ये रियलाइज़ होता है ये हम भी कर सकते हैं तो मुझे लगता है इससे ना ये ख्वाब देखने में आसानी होती है कि ये अचीवेबल है ये किया जा सकता है तो म्यूज़िक डे पे ऐसा करना और म्यूज़िक डे पे ऐसा करना मुझे लगता है और बड़ा मैसेज है मेरी लाइफ में मैं ये कहूँगा कि पिछला डिकेड पूरा सोनी का दिया हुआ है एक्स फैक्टर जो मैं 2011 में जीता था सिंगिंग रियलिटी शो वो सोनी के थ्रू ही जीता था सोनी पे ही था वो तो सोनी का बहुत बड़ा हाथ है और मैं वही एक्स फैक्टर एक रियलिटी शो था सिंगिंग रियलिटी शो जो कि मैं 2011 में जीता था वो सोनी पे ही एयर हुआ था वो सोनी का ही शो था दस दस ग्यारह बारह साल पुरानी बात है 2011 की बात है 11 साल पुरानी बात है तो सोनी का बहुत बड़ा हाथ है हाँ मैं देखिए ना आपने अगर परफॉर्मेंस देखी होगी मेरी तो शुरू में ना एक परफॉर्मर को ये समझ में नहीं आता कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी और परफॉर्मर काफ़ी टाइम कॉन्शियस भी रहता है और आज तो मेरे लिए बिल्कुल ही नई ऑडियंस थी ना मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जो बच्चे हैं ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्या करना होगा लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को ये सरेंडर कर दिया कि जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे जो आप बोलोगे वो होगा तो आई सरेंडर टू द ऑडियंस और आप थे आपने देखा कितना मैं यहाँ स्टेज पे नीचे बैठा हुआ था वो सारे मेरे चारों ओर बैठे हुए थे हम लोग गाने गा रहे थे और वो अपने पसंद के गाने गा रहे थे मैं अपनी पसंद के गानों के साथ उनके साथ कोशिश कर रहा था तो मुझे लगता है इस तरह का फ्री परफॉर्मेंस बहुत कम होता है जनरली बहुत टाइम बाउंड होता है गाने सेट होते हैं बैंड होता है परफॉर्म करते हो ख़त्म हो जाता है पर इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ बच्चों को नहीं समझाना चाहिए क्योंकि ये जो समझ है आप ना 40 साल में ना हम 35-40 जिसकी जितनी उम्र हो उसमें ना हम एक बॉक्स में हो गए बच्चों को नहीं समझाना चाहिए उनसे इतना कुछ सीखने को है
तो मुझे लगता है अगर आप शांति से बैठ के बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें तो बहुत कुछ सीखने को है। बहुत सारे गाने हैं सोनू निगम, तो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। सोनी ये के लिए मैंने जैसा कि मैं एक दो बार और भी बोल चुका हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट से एक कदम आगे चले गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, जो और यू नो ग्राउंड जो लाइव ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो गए हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और ये हनी बनी और ऑगी आज ये भी थे हमारे इवेंट में, तो आप देखिए ना बच्चों के साथ ये एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो बच्चों को हो रहा है, मुझे लगता है ये एंटरटेनमेंट से बढ़ के है। तो आई वॉन्ट टू थैंक यू सोनी ए फॉर दिस एंड ऑल्सो किड्जेनिया फॉर यू नो ऑर्गेनाइजिंग दिस। मज़ा आया मुझे, और मुझे हनी बनी और ऑगी के साथ भी बहुत मज़ा आया, जनरली बड़े ये कहते नहीं है पर बहुत मज़ा आया मुझे, रियली बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।